19716. नितिन चीटवाली, सो वी कॉल हिम चीटू, ट्रैवल विद मी में सेकंड ट्रिप इसके साथ हो रहा है. हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों. सो आज एक और ट्रेन जर्नी, और ये होने वाला है मुंबई टू सूरत, यानी कि सिटी ऑफ ड्रीम से सिटी ऑफ डायमंड. ट्रेन नंबर है 12989, मुंबई अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस. अभी फिलहाल आयरोली में हूँ, तो आयरोली से पकड़ना होगा ट्रेन, जाना होगा थाने, थाने से दादर. ट्रेन है 3 बजे का, अभी बज रहा है 1. निकलते घर से और मिलते हैं आपको. चुके अभी थाने स्टेशन, यहाँ से दूसरा ट्रेन करके जाना होगा दादर. फास्ट ट्रेन 155 का है, 147 अभी हो रहा है, करीबन 8 मिनट है. ये एक और ट्रेन पकड़ते हैं और फिर मिलते हैं आपको दादर स्टेशन. पहुंच चुके अभी दादर टर्मिनस. ये हैशटैग ट्रैवल विद मी का सेकंड जर्नी है, तो ये सोलो ट्रिप नहीं होने वाला है. कुछ और दोस्त भी मुझे ज्वाइन करने वाले, उन लोग मेरे बाद में वाले ट्रेन में थे, मैं उनका पहला वाला ट्रेन पकड़ के दादर पहुंच चुका हूं. तो पहले जाता हूं, देखता हूं कौन से प्लेटफॉर्म में मेरा ट्रेन लगा हुआ है. ये एक और ट्रेन जर्नी शुरू करेंगे, साथ ही मैं आपको भी मिलाएंगे जो मेरे साथ इस जर्नी में अकंपनी है, जो मेरे साथ चल रहे. सो लेट्स गो टू द स्टेशन. जब मैंने इंक्वायरी की है, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है, जब मैंने इंक्वायरी किया तब पता चला कि 5 नंबर प्लेटफॉर्म, यानी वो साइड के प्लेटफॉर्म पे जाना होगा. दादर अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रुकी हुई है, ये दादर हैदराबाद साइड से ऊपर. ये एक और ट्रेन, लोकल ट्रेन रुका हुआ है, बट यहाँ पे चलते और देखते. तो बीट द हीट, गॉट द कन्हैया कॉफी फ्लेवर्ड मिल्क, इसको पीते वेट करते हैं ट्रेन का. ये अपना ट्रेन का लुक जिसमें ट्रैवल होने वाला है. यहाँ पे नजर आएंगे आपको, और साथ में ये हमारा ट्रेन 12989 दादर टू अजमेर. अजमेर से जब रिटर्न आता है तो 12990. डिसेबिलिटीज वाले लोग के लिए डब्बा. और इसी के साथ ऊपर आपको नजर आएगा कोच है, यहाँ पे मेरा S2 है, तो मैं आगे जाऊँगा. अपना कोच है भाई, चलते अंदर. सीट्स भी बताए थे आपको, तो ये साइड अपर साइड लोअर, ये अपना सीट है. और साथ ही में यहाँ पे 2 मिडल और ये अपना, दिस इज स्लीपर क्लास कोच जो बुकिंग किया है. ट्रेन चालू होने को अभी वक्त है, तो बाहर जाके वेट करते हैं. यहाँ पे है वॉश बेसिन, वॉश करने के लिए, डंप करने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे कचरा फेंकने के लिए वॉशरूम. आपको बताओ अगर यहाँ पे दिया गया है वेस्टर्न कमोड, नीचे फ्लश करने के लिए जेट स्प्रे, पानी फ्लश, और साथ ही में सामने आपको दिया जाता है मिरर. बहुत ज़्यादा स्वेट हो गया भाई, गर्म हो रहा था. सामने आपको दिया जाता है मिरर, ये वॉश करने के लिए वॉश बेसिन. इसके सामने और एक वॉशरूम है, इट सीम्स वेकिंग बट इट्स लॉक. और ट्रेन सामने लगा हुआ है, ट्रेन जा रहा है दादर से अजमेर, बट मैं ट्रैवल करने वाला हूँ दादर से सूरत. 257 किलोमीटर की जर्नी होगी. ये ट्रेन मंडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन को दादर से निकलता है. और साथ ही में इस ट्रेन में पैंट्री कार नहीं है, तो अगर आप ट्रैवल करते हो तो कुछ खाने पीने के लिए साथ में कैरी कीजिएगा. वेट कर रहे हैं ट्रेन स्टार्ट होने का. 250 हो चुका है, सॉरी 250 हो चुका है, 3 बजे का ट्रेन है, तो और 10 मिनट में ट्रेन निकलेगा. साथ ही में मेरे जो दोस्त थे वो भी पहुंचने वाले दादर आ चुके, सो वंस आई मीट देम आपको ही बता दूंगा. बस बाहर से कुछ इस तरीके से लिखा होगा, आगे भी लिखा हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो.
यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हुई थी, अब अचानक से रुका है, इट सीम्स किसी ने चेन पुल किया है। तो फर्स्ट जो नज़र आया, दिस इज नितिन चीटवानी, सो वी कॉल हिम चीटू, ट्रैवल विथ मी में सेकेंड ट्रिप इसके साथ हो रहा है और भी है अंदर कोच में, आपको मिलाते हैं उनसे। अब फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर, ट्रेन रुका है, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी एंजॉय करते, फिर आपको मिलाते हैं बाकी से। ट्रेन पुल क्या रहेगा? नहीं नहीं नहीं, उसने कुछ तो किया, ट्रैवल विथ मी की जर्नी में आगे है सिद्धेश यहाँ पे, दिस इज एग्नेलो जो अंधेरे में नज़र आ रहा है, एक सेकेंड मैम, हाँ अब ठीक है। और अब अर्जुन तो करीबन 5 लोग हैं इस बार, सो हाँ क्राउड बड़ा है और सबका साथ चलने वाला है हम लोग का जर्नी सूरत पे। April 12, 1867 को बोरीवली स्टेशन पे फर्स्ट ट्रेन सर्विस इनॉग्रेट किया गया था। अचानक से ट्रेन का चेन पुल हुआ है, क्योंकि आई थिंक सो एक अंकल थे जो ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दैट्स ओनली रीज़न मैं ट्रेन से बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन मूव कभी भी हो सकता है, ज़्यादा वक्त के लिए हॉल्ट नहीं ले रहा है। बोरीवली है, वलसाड़ है, नवसारी है, ये 3 स्टेशन पर रुकेगा, चौथा अपना स्टेशन आएगा सूरत, 3 मिनट से 2 मिनट यही वक्त पर रुकेगा। तो आप वेट कर रहे हैं ट्रेन स्टार्ट होने का। एक बार ट्रेन स्टार्ट हुआ, हॉर्न तो मिल चुका है, तो शायद से ट्रेन भी अब आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सामने देख रहे हो लोकल ट्रेन आगे बढ़ते हुए वेस्टर्न रेलवेज का, और हमारी ट्रेन का भी स्पीड स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ट्रेन मूव होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ।
सो टिकट चेकिंग अभी हुआ है जहाँ पे बोरीवली से आगे बढ़ रहे वलसाड़ की तरफ। यहाँ पर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूछा गया, बस टिकट नंबर और नाम, यही चीज़ पे वेरिफिकेशन हो चुका है। ट्रेन अगेन रुका हुआ है बोरीवली से निकल के, वेट करे ट्रेन के आगे बढ़ने का और साथ ही में ये जर्नी एंजॉय करें। अगर मैं नाम की बात करूं तो गुजराती नेम बड़सल यानी कि साल, जो बड़ यानी कि बनियान के ट्री से निकलता है उसके ऊपर से ये जगह का नाम बनाया गया था। ये जगह फेमस था बनियान ट्री के लिए। कहाँ जी? सूरत। सूरत, सूरत। ये बता। अच्छा सूरत, सूरत। Thank you.
नहीं था उसमें स्लीपर लाइट की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से आप बाहर सूरत स्टेशन के भारतीय डाक भी मिल जाएगा और ये आगे सूरत टर्मिनस यहाँ पे लिखा हुआ और साथ ही में इधर बढ़िया सा लोगो लगा है तो वही आपको बता रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन और साथ ही में ये लोगो का लुक यहाँ से 1971 आई लव सूरत। ट्रेन जर्नी की बात में अगर करूँ तो 3.5 घंटे की जर्नी थी। नवसारी स्टेशन में थोड़ा सा इश्यू हुआ था
जिसके से ट्रेन का चेन पुल किया गया था और ट्रेन रुकाया गया था। ट्रेन में पैंट्री नहीं है, साइड पैंट्री है, यानी कि पानी वगैरह कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेगा, बट खाना आप, हाँ अगर इसमें ट्रैवल कर रहे हो तो खाना साथ में कैरी कीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप ये जितना भी 18 घंटे का जर्नी है उसमें आप भूखा रहो। सो अब सूरत आ गए तो थोड़ा सा सूरत को भी एक्सप्लोर करेंगे साथ ही में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो भाई लाइक करना, चैनल पे आप अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई।